तो साथियों, आज जो हम क्लास ट्वेल्थ की क्लास ट्वेल्थ की इंटीग्रेशन की फॉर्मूला पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन की फॉर्मूला पढ़ेंगे और मेन पर्पस है कि मेरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ना, लेकिन इसी के साथ साथ हम डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूला पढ़ेंगे। और मेरा मकसद है इंटीग्रेशन की फॉर्मूला को याद करवाना, मेरा मकसद है कि इंटीग्रेशन की फॉर्मूला को याद करना करवाना ना कि पढ़ाना। आप सभी जगह लिखे देखे होंगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का फार्मूला, लेकिन यहाँ पर मेरा बताने की मकसद है कि आपको इंटीग्रेशन की फार्मूला और डिफरेंशिएशन की फार्मूला अभी की अभी याद हो जाए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ बने रहे पूरे वीडियो में ताकि आपको याद हो जाए। याद करने के लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ेगा, आप वीडियो देखते देखते आपको याद हो जाएगा। तो हम इधर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। डिफरेंशिएशन यानी जिसको आप क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। और इधर हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे, इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो इधर हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे और इधर हम डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। इधर हम समाकलन की बात करेंगे और इधर हम अवकलन की बात करेंगे। और आज हम सीखेंगे नहीं, याद हो जाएगा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए मित्रों, हमारे साथ बने रहे और याद करने की भी कोशिश करें। और वीडियो तो आपके यूट्यूब चैनल पर पड़ा रहेगा, आप बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे साथ याद करने की कोशिश करें। पहले आप वीडियो क्या करें, शुरू से अंत तक देखें और याद करने की दिमाग में सेट करने की कोशिश करें। अगर कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में सेट नहीं है तो एग्जाम हॉल में आप स्कोर खड़ा नहीं कर सकते हैं। चाहे आप कितना भी क्यों ना जानते हो, एग्जाम हॉल में भूलने की आदत होता है, बच्चे भूल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कंसेप्ट के समझ कर अपने दिमाग में सेट करने की कोशिश करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यानी डिफरेंशिएशन का जो आप फार्मूला पढ़े हैं कि डी बाय डी एक्स यानी एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स के पावर में एन माइनस वन होता है। ठीक है, क्या होता है यानी एक बार मेरे साथ भी बोलेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन होता है। कितना होता है, एन माइनस वन होता है। ठीक है, अब तो हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे बनता है। तो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है उस पर ध्यान देंगे। इसी एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, x के पावर में n प्लस वन बटे n प्लस वन, जहां यानी वेयर n इक्वल टू n नॉट इक्वल टू माइनस वन। कभी भी n का मान माइनस वन नहीं होना चाहिए, कभी भी n का मान माइनस वन
नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए मेरे साथ याद करें, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन, और एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, और इंटीग्रेशन में एक प्लस सी लगाते हैं यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपना मन से। चलिए क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर दो, फॉर्मूला नंबर दो कहता है कि डी बाय डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है वन होता है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है तो हम जानते हैं कि रेसिप्रोकल होता है यानी डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का रेसिप्रोकल डिफरेंशिएशन। अगर एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, अगर एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स को डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं यानी एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है तो वन का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो वन का इंटीग्रेशन होगा कितना एक्स होगा, वन का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स होगा प्लस सी यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या देखे साथियों, यानी इस एक्स का अगर इंटीग्रेशन वन होता है तो इस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स होगा। बहुत आसान है, अगर आप एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद करते हैं तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, बट कंसेप्ट के साथ माइंड को फोकस करके उस पर आपको अपने आप याद हो जाएगा, बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप कंसेप्ट के साथ याद करते हैं तो इस वीडियो को देखें आपको जरूर याद हो जाएगा। तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है वन होता है, तो इस वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है फॉर्मूला नंबर तीन, कई फॉर्मूला होता है लेकिन हम एक्सरसाइज के अनुसार धीरे धीरे फॉर्मूला को लिखाते रहेंगे। ठीक है फॉर्मूला नंबर तीन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है मित्रों यानी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोले आप साथ में लगे बोलिए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है बोलिए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हाँ माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, यानी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अगर माइनस साइन एक्स लिखते हैं तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ठीक फॉर्मूला नंबर चार, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे साथियों बोलिए, पहले एक बार आप याद कर ले उसके बाद फिर आप लिखेंगे, लिखा हुआ तो कहीं से मिल जाएगा लेकिन कंसेप्ट कंसेप्ट जो है आपको वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, और लिखा हुआ तो कहीं भी आप देख सकते हैं, कहीं से भी लिख सकते हैं। तो मेरा मोटिव है कि आपको ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का याद करवाना ना कि पढ़ाना और लिखाना। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स होता है, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स, यानी
यानी साइन एक्स का जब डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, यानी हम जानते हैं उल्टा होता है तो उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स। फिर से टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यानी अगर डिफरेंशिएशन टेन एक्स का कहा जाए तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, यानी टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलिए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स। यानी टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। यानी टेन का सेक का टेन, टेन का सेक का टेन, टेन का सेक का टेन, टेन का सेक का टेन। अगर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हुआ तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होगा। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 6 कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है प्यारे साथी, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, माइनस कॉट एक्स, कितना हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। प्लस सी यानी कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन तो ये माइनस, और कॉट एक्स यानी माइनस कॉट एक्स। फॉर्मूला नंबर 7 यानी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स, यानी सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, सेक एक्स। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 8 उसी प्रकार कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्यारे साथियों, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही होता है, क्या होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और अगर इंटीग्रेशन की बात करें किसका, तो देखते हैं कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स की इंटीग्रेशन की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यानी कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला नंबर 9
फॉर्मूला नंबर को 9 कहता है कि e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x होता है। e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x होता है तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन भी e पे पावर x से होगा। क्या होगा? e पे पावर x ही होगा, e पे पावर x ही होगा, ठीक है, e पे पावर x ही होगा। यानी e पे पावर x का इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, उतना ही होगा, ठीक है। अब अगर log x की डिफरेंशिएशन की बात किया जाए, log x की डिफरेंशिएशन की बात किया जाए तो 1 बटे x होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? 1 बटे x होता है। क्या होता है? 1 बटे x होता है, 1 बटे x होता है। तो 1 बटे x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो 1 बटे x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? जैसे कि आपको मालूम है कि 1 log x का डिफरेंशिएशन 1 बटे x होता है, तो 1 बटे x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? log x क्या हो जाएगा? log x प्लस c। यानी log x का डिफरेंशिएशन 1 बटे x होता है तो 1 बटे x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log log mod x हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? प्यारे साथियों, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपने देखा होगा, वो होता है 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इंटीग्रेशन कौन फॉर्मूला भारी है? जब साइन इनवर्स एक्स, इसको इनवर्स पढ़ते हैं प्यारे साथियों, जब साइन इनवर्स यानी माइनस वन को इनवर्स पढ़ते हैं, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है तो इसका इंटीग्रेशन उल्टा हो जाएगा। यानी 1 बटे रूट, यानी पहले हम यहाँ पर लिख दूं उसके बाद बोलेंगे, यानी 1 बटे रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? यानी साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो है रूट वन, वन बटे रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो सकता है? यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। यानी नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है कि डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स एक्स का, तो आपको मालूम है कि कॉस इनवर्स क्या होता है? साइन का ही सेम होता है, लेकिन क्या होता है? माइनस वन हो जाता है आगे में, सिर्फ माइनस वन बटे रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो आइए इंटीग्रेशन देखते हैं। यानी वन बटे रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं कितना? माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। यानी ये दोनों फार्मूला एक तरीका से कह सकते हैं कि बराबर है इंटीग्रेशन में। यानी वन बटे रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है, और रूट वन माइनस रूट वन बटे रूट वन बटे रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। अब 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्या हो जाएगा? यानी
टेन इनवर्स एक्स की फॉर्मूला। तो टेन इनवर्स एक्स यानी टेन इनवर्स एक्स की फॉर्मूला अगर देखा जाए, डिफरेंशिएशन देखा जाए, तो वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर का, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, यानी सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है क्या, वन बटे मोड मोड रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यानी मोड एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सी। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, यानी लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉट एक्स। ठीक है, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, हो जाएगा लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स हो जाएगा ना, हो जाएगा। यानी अगर लॉग लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है कॉट एक्स होता है, कॉट एक्स होता है, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स, क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब यानी माइनस लॉग कॉस एक्स, तो माइनस लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा। तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो टेन एक्स हो जाएगा। तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो जरा देखते हैं टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस लॉग क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स क्या है, हमने भी पढ़ा कि माइनस लॉग कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन टेन एक्स होता है, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स, फिर लॉग लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स, क्या होगा, सेक एक्स। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, उसका उल्टा, यानी कितना हो जाएगा, लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। चलिए डी बाय डी एक्स यानी किसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉट एक्स
यानी log cosec x माइनस cot x का इंटीग्रेशन होता है cosec x, क्या होता है cosec x। तो cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cosec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो cosec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod cosec x माइनस cot x प्लस c, ठीक है। या तो हमने क्या देखा, log cosec x माइनस cot x का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है cosec x, तो cosec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 19, साइन इनवर्स एक्स बाय ए का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स बटे ए का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 एक्स एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। देखिए प्यारे साथियों, हमने जो आज फॉर्मूला लिखा है अभी बहुत सा फॉर्मूला है, लेकिन बट अभी जो एक्सरसाइज के लिए है यानी बेसिक फॉर्मूला है, यही सब बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। फिर जब हम जैसे जैसे एक्सरसाइज पढ़ेंगे वैसे वैसे एक्सरसाइज के अनुसार हम फॉर्मूला को लिखते जाएंगे, एक बार लिख देने से आपको बोझ हो जाएगा। धीरे धीरे हम इसी तरीका से हम क्या करेंगे, आपको YouTube पर अपलोड करेंगे कि फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, इंटीग्रेशन का फार्मूला नंबर 1, इंटीग्रेशन का फार्मूला नंबर 2, हमारे साथ बने रहे। फिर इसका अगले दिन से हम इसका एक्सरसाइज का भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये सारे फार्मूला को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को रट लेंगे, फिर से हम इसका कंसेप्ट इंटीग्रेशन का पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे इजी वे से सॉल्व करते हैं। एकमात्र चैनल है एजुकेशन हब जिसको आप इजी तरीके से आपको सिखा सकता है, चाहे मैथ का कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। तो धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर चैनल अच्छा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक जुड़कर इसका लाभ उठा सके। मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना, पढ़ाता तो सबको ही है, मेरा उद्देश्य है, मेरा एक ही स्लोगन है, पढ़ाता सबको ही है लेकिन मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना, आपको सिखाना। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।